बालों में पपड़ी सी जमने लगती है, खुश्की एवं बहुत ज्यादा खुजली लगती है, साथ ही साथ सफेदी सी झड़ती है हमारे बालों में से, सफेदी सी झड़ती है, जाने कैसे ठीक किया जा सकता है इसको। आप लोगों ने भी फील किया होगा, महसूस किया होगा, इसे एक्सपीरियंस किया होगा, या अपने आसपास में देखा होगा कि लोगों के बालों में से सफेदी बहुत ज्यादा झड़ती है, या किसी किसी के पपड़ी सी जम जाती है बालों के अंदर, और बहुत से लोग तो काफी बार हम खुद ही बहुत ज्यादा खुजाने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या होता है? नहीं तो घबराइए नहीं, मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि इसका कारण क्या होता है और साथ ही साथ इसे कैसे ठीक किया जा सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन कारणों से ये डिजीज हो जाती है, यानी कि ये दिक्कत या बीमारी हो जाती है, ये बीमारी होती भी है या नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। हमारी जो ऑयली स्किन होती है उसकी वजह से भी जो है हमारे बालों में डैंड्रफ हो जाती है। ये सिर्फ बाल हमारे सिर का यानी जो स्कैल्प होता है वहां पे नहीं, स्कैल्प मींस जो हमारे आईब्रोज होती हैं, बॉयज की बात करें तो मुस्टैसेस में, या जो बर्ड बियर्ड होती है यानी कि दाढ़ी मूछों में भी हो जाते हैं, या जो हमारी बॉडी पे जहां जहां भी बाल होते हैं वहां पर होने के चांसेस बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सेबेशियस ग्लैंड होता है, जो ऑयल सिक्रीट करते हैं हमारी बॉडी में, जो ऑयली ग्लैंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से ये दिक्कत बन जाती है। जब एक हमारा फंगस लग जाता है उसकी वजह से दिक्कत होती है। अब फंगस कौन सा होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। दूसरे कारण की बात करते हैं तो हार्मोनल चेंजेस। जब हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं तब भी ये बाल झड़ने की दिक्कत या सफेद पपड़ी सी बनने लगती है, ज्यादा सफेदी सी झड़ती है, ये दिक्कत हो जाती है। साथ ही साथ एक्जिमा, जब खुजली एक इचिंग हो जाती है ना शरीर में, अब वो चाहे हमारे जॉइंट्स पे हो या हमारे घुटनों पे हो, जैसे जॉइंट जो जितने भी जोड़ होते हैं जहां से हमारे हाथ पैर मुड़ते हैं, जैसे मैंने अपना हाथ मोड़ा अभी तो यहाँ पर खुजली हो सकती है, तो यहाँ पर लाल छत्ता सा बनने लगता है। जब हमने एक बार यहाँ खुजाया फिर यहाँ खुजाया उन्हीं हाथों से सिर में खुजाया, तब भी ये जो है हमें जो है पपड़ी सी बन सकती है या सफेदी झड़ सकती है। साथ ही साथ बैक्टीरियल चेंजेस, यानी कि जब एक बैक्टीरिया जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा साबित होता है उसकी जगह कोई ऐसा बैक्टीरिया आ जाए जिसकी वजह से हमें स्किन इरिटेशन हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो उसकी वजह से भी हमें ये तकलीफ हो सकती है। और साथ ही साथ जिस फंगस की मैं बात कर रहा था वो होता है मेलेशिजिया ईस्ट। अब ये क्या काम करता है, जो हमारी ऑयल ग्लैंड्स होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड होता है हमारे स्कैल्प में जो प्रेजेंट होता है बॉडी के अंदर, तो जब वो एक ऑयल सिक्रीट करते हैं तो वो उस ऑयल को अपना खाना बना लेते हैं, उसे जमाने लगते हैं, जिसकी वजह से जब वो एक्सक्रीट आउट करते हैं ये मेलेशिजिया ईस्ट जो होता है, तो उस ऑयल में वो जम जाता है और वो हमें सफेदी के रूप में दिखाई पड़ता है, जिससे पपड़ी जमने लगती है या सफेदी झड़ने लगती है और हम खुजाते बहुत ज्यादा है, खुश्की बहुत ज्यादा आती है। अब मैं बताता हूं आपको कि इसे मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं, यानी एक साइंटिफिक नेम क्या है। इसे हम डैंड्रफ के नाम से जानते हैं। आपने सुना होगा, भाई बहन भी हम आपस में जब बात करते हैं, यार आज डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो गई है, तो मुझे ऐसे खुजली लग रही है, खुश्की हो रही है, और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, आपने सुना होगा आसपास में कि भाई मेरे पपड़ी सी जमने लगी है, तो छत्ते से निकलते हैं बाल में तो सफेद सफेद सा, तो उसी को हम डैंड्रफ कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहला हम यूज करते हैं एंटी फंगल शैंपूज। अब एंटी फंगल शैंपूज जो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स होती है, जैसे किटाकोनाजोल होता है, इट्राकोनाजोल होता है, फ्लूकोनाजोल होता है, तो इनके शैंपूज मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। सबसे ज्यादा जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं शैंपूज, एंटी फंगल शैंपूज, वो किटाकोनाजोल ड्रग के शैंपूज को प्रेफर करते हैं। साथ ही साथ कोल टार बहुत इफेक्टिव है इस डैंड्रफ को ठीक करने के लिए, इस पपड़ी को ठीक करने के लिए। नेक्स्ट हम सैलिसिलिक एसिड के जो शैंपूज आते हैं या ऑइंटमेंट्स आते हैं इनको यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत इफेक्टिव होते हैं इस कंडीशन को, डैंड्रफ को ठीक करने के लिए। और साथ ही साथ जिन ड्रग्स में सेलेनियम सल्फाइड ज्यादा होता है इसके शैंपूज भी आते हैं, क्रीम्स भी आती हैं, ऑइंटमेंट्स भी आते हैं, सोप्स भी आती हैं, तो बेसिकली हम इन ड्रग्स को यूज करते हैं, डॉक्टर हमें ये रिकमेंड करते हैं इस कंडीशन को ठीक करने के लिए। घरेलू नुस्खे भी होते हैं, आपने सुना होगा दही से सर धोना चाहिए या हमें मुल्तानी मिट्टी से सर धोना चाहिए, लेकिन तब भी ठीक नहीं हो पाता है तो फिर लास्ट ऑप्शन हमें मेडिसिन का बचता है, जहां पर हम इन ड्रग्स को यूज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप लेटेस्ट फार्मा अपडेट्स के लिए बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां पर आपको सारी शरीर से संबंधित जितनी बीमारियां होती हैं उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी।
आपको यहां पर प्रॉपर बताया जाएगा कि जो बीमारी है हमारे शरीर में, ये जैसे अभी हमने डैंड्रफ के बारे में बात किया कि पपड़ी क्यों जमती है, क्या कारण होते हैं और कैसे ठीक किया जा सकता है, इसी तरीके की अपडेट्स आपको यहां पर मिलती रहेंगी। तो बने रहिए फार्मेसी इंडिया लाइव के साथ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।